स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आज क्लास बारह के रसायन विज्ञान अभ्यास आठ है और अभ्यास का नाम है डी एवं यफ ब्लाक के तत्वों का यह पहला भाग है तो आज से जो है डी ब्लाक और यफ ब्लाक के तत्वों के बारे में आज से हम लोग जानकारी रखेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं और यब ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं इनकी समान विशेषताएं क्या होती हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा तो यहाँ डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या होता है तो डी ब्लॉक के तत्व को कौन से तत्व कहते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं कौन से तत्व कहेंगे संक्रमण तत्व कहा जाता है तो डी ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं यह परीक्षा में बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है हमेशा यह पूछा जाता है तो संक्रमण तत्व क्या है तो इसका उत्तर लिखेंगे ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है किसमें जाएंगे डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं मतलब ऐसे जो तत्व होते हैं जिनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वह किस उपकोष में प्रवेश कर जाए तो डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं इसे संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन तत्व कहते हैं तो समझ में आ गया होगा कि संक्रमण तत्व क्या होता है मतलब जिन मतलब वे तत्व होंगे जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे डी उपकोष में प्रवेश कर लेते हैं ऐसे तत्वों को डी बलाक के तत्व भी कहा जाता है और इसे संक्रमण तत्व भी कहा जाता है तो इसे जो है संक्रमण तत्व का जो परिभाषा बताया गया है इस परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट कर लीजिए अब हम लोग पढ़ेंगे डी बलाक तत्वों को आवर सारणी में स्थिति मतलब डी बला को तत्वों जो हैं वो आवर सारणी में कहाँ पे रखा गया है तो आपको आवर सारणी को दिखाया जाएगा और सारणी के माध्यम से समझाया जाएगा जिसको जिससे आपको क्या होगा अच्छे से यह समझ में आ जाएगा कि डी बला के तत्व कहाँ पर स्थित हैं तो अब यह जो बना हुआ है प्रियाडी टेबल है इस प्रियाडी टेबल में हम लोग समझेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं तो यह जो दो लाइन बना हुआ है यह दो पीला रंग का जो दिखाई दे रहा है आप लोग को यह जो है यश ब्लॉक के तत्व होते हैं किस ब्लॉक के यश ब्लॉक के तत्व होते हैं और यह जो होते हैं यह पी ब्लॉक के तत्व होते हैं और यह जो है डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और नीचे जो बना हुआ है दो लाइन आपको दिखाई दे रहा है दो पंक्तियों में जो लिखा गया है यह यह यफ के तत्व होते हैं तो मतलब डी ब्लाक के तत्व किसके किसके बीच में हैं तो पीरियाडिक टेबल देखने से पता चला है कि जो डी ब्लाक के जो तत्व होते हैं वह यस ब्लाक के और पी ब्लाक के बीचों बीच में रखा गया मतलब मध्य में रखा गया है मतलब डी ब्लाक के तत्व कहाँ पे रहते हैं तो यस ब्लाक के तत्व और पी ब्लाक के तत्वों को बीच में जो रखा जाता है वह कौन से ब्लाक होता है डी ब्लाक के तत्व होते हैं अब डी ब्लाक के तत्व कहाँ से चालू होते हैं किस आवर्त से तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पर जो है ध्यान देंगे यहाँ पर जो है यह एक दो तीन चार पाँच छः सात आप यहाँ सात जो है आवर्त है और यह जो है वर्ग हैं मतलब किस वर्ग से चालू होता है तो तीन तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह मतलब तीन से लेकर के बारह तक की वर्ग जो रहते हैं इस वर्ग वाले तत्व को का कहा जाता है डी बला के तत्व कहा जाता है और यहाँ से देखेंगे यह मतलब यह तीन बी चार बी पाँच बी छः बी सात बी और आठ में जो है तीन तीन भाग हैं कितने भाग हैं तीन भाग हैं और यहाँ फर्स्ट बी और सेकंड जो है बी ये रोमन अंक का जो लिखा गया तीन चार पाँच छः सात और आठ और यहाँ एक और दो लिखा गया है तो इसमें जो है कौन से वर्ग हैं मतलब तीन बी का चार बी का पाँच बी का छः बी का सात बी का और आठ का तीनों भाग और यह फर्स्ट भी सेकंड भी जो है ये सभी तत्व जो हैं कौन से बलाक के हैं तो डी बलाक के तत्व हैं तो डी बलाक समझ में आ गया होगा कि आवर सारणी में कहाँ पे रखा गया है तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कि संक्रमण तत्व तो या डी बलाक के तत्व जो हैं आवर्त सारणी में किसके मध्य में है यश तथा पी बलाक के मध्य में रखा गया है जो अभी आपको पीरियाडी टेबल दिखाया गया है तो उसमें पी बलाक के तत्व तो कहाँ पे थे तो यश बलाक के तत्व और पी बलाक के मध्य में रखा गया है तो यहाँ लिख लीजिए पहला जो है संक्रमण तत्व को आवर्त सारणी में यश तथा पी बलाक के मध्य में रखा गया है इन्हें तीसरा जो है तीन बी चार बी पाँच बी छ बी सात बी और आठ है जो है आठ में कितने भाग बताया गया है तो आठ में जो है तीन भाग और फर्स्ट बी तथा सेकंड बी में रखा गया है मतलब इसे कहाँ पे रखा गया है आवर सारणी में तो तीसरा का जो बी है चौथा का बी पांचवां का बी छवा का बी सातवां का बी और आठवां का जो तीन भाग था अभी आपको पी टेबल में दिखाया गया है और यह फर्स्ट बी और सेकेंड बी में इसको रखा गया है तो डी ब्लॉक के तत्व किस सारणी

लिबास है यहाँ पर आठ जो है यहाँ पे गुण बताया गया है तो पहला ये इसका गुण क्या है तो सभी डी बला के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं धातु होते हैं याद रखिएगा सभी जो डी बला के जो तत्व होंगे सभी तत्वों की बात कहा जा रहा है सभी तत्व क्या होते हैं धातु होते हैं दूसरा लिखेंगे यह तत्व रंगीन यौगिकों का निर्माण करता है मतलब यह जो तत्व होते हैं उनका जो यौगिक बनता है तो वह किस रंग का होता है रंगीन यौगिकों का क्या होता है निर्माण करते हैं तो दो जो है भौतिक गुण जो इसका समझ में आ गया होगा तीसरा जो है यह तत्व जो होते हैं तत्वी गुण प्रदर्शित करते हैं मतलब है है? प्रदर्शित करते हैं चौथा है सभी तत्व जो है उत्प्रेरक का कार्य करते हैं अब उत्प्रेरक का मतलब हो गया कि अभिक्रिया को बढ़ा दे वह कौन कार्य करता है उत्प्रे होता है तो ये सभी तत्व जो होते हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं पांचवा लिखेंगे यह संकर आयन बनाते हैं कौन सा आयन संकर आयन बनाते हैं आगे हम लोग चल के आगे अगला जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें संकर संकर आयन कैसे बनता है आपको सिखाया जाएगा तो यह लवड़ बनाते हैं क्या बनाते हैं यह रंगीन लवड़ बनाते हैं तो और अगला है इसमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है मतलब डी बला के जो तत्व होते हैं उसके अंदर जो है धात्विक चालकता भी क्या होती है उपस्थित तो होती हैं और आठवां लिखेंगे यह यश तथा पी बला के धातुओं से क्या होते हैं अधिक कठोर होते हैं याद रखिएगा किस बलाक से यह डी तथा पी बलाक के जो धातु होते हैं उनसे क्या होते हैं यह अधिक कठोर होते हैं तो यहां पे आठ जो है, आपका जो है है आपका क्या बताया गया संक्रमण का गुण बताया गया अभी और है नौ दस ग्यारह मतलब ग्यारह गुण आपको बताया जाएगा तो पहले यह आठ गुण को अपने कॉपी में क्या कीजिए इसे नोट कर लीजिए या इसे शार्ट स्क्रीन ले लीजिए अपने कॉपी में इसे जरूर लिखिएगा और दो आप इसे पढ़िएगा आपको यह गुण अच्छे से याद हो जाएगा तो हम लोग अब नवा गुण के बारे में समझेंगे तो अब नवा गुण क्या है अभी हम लोग आठवां हम लोग पढ़े हैं कि यस तथा पी बला के जो धातु होते हैं उस धातु से अधिक कठोर होते हैं मतलब जो डी बला के जो तत्व होते हैं वह यस बलाक और पी बला के तत्व से क्या होते हैं अधिक कठोर होते हैं और यहाँ लिखेंगे नवम क्या लिखेंगे इनके गलनांक जो होते हैं यस और पी बला के धातुओं से क्या होते हैं अधिक होते हैं मतलब ये इनका जो गलनांक होता है मान गलने की जो क्षमता होती है वह यस और पी बला के धातु तो से क्या होती हैं अधिक होती हैं याद रखिएगा इसका सो समान गुण बताया जा रहा है तो इसे अपने कापी में जरूर नोट कीजिएगा और इसे दो बार पढ़िएगा आपको यह उत्तर सब याद हो जाएगा अगला लिखेंगे यह परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं परिवर्तित मतलब बदल-बदल करके जो है संयोजकता को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं और ये जो है यह जटिल यौगिक बनाते हैं जटिल मतलब क कर... कठोर कठिन जो कठिन से कठिन यौगिक होते हैं यह बनाते हैं तो लिखेंगे ये जटिल यौगिक बनाते हैं तो यहाँ पे टोटल जो है डी ब्लॉक के तत्व तो या संक्रमण तत्व तो का ग्यारह गुण बताया गया और यह ग्यारह गुण बहुत ही आसान बताया गया जिसे आपको तुरंत क्या हो जाए याद हो जाए अब हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्वों के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं अब इसका डी ब्लॉक के जो तत्वों हैं उसके प्रमुख लक्षण क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है अब इनके बारे में समझेंगे तो अब यहां लिख लेंगे कि इस ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब यहां से ध्यान दीजिएगा ये कंपटीशन का भी यहाँ क्वेश्चन बन गया कि डी ब्लॉक तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है तो डी ब्लॉक का जो है तत्वों का समान विन्यास जो होता है, न-माइनस वन डी का पावर एक से लेकर के कहां तक दस तक मतलब डी के ऊपर जो है दस इलेटान होते हैं और यश के ऊपर जो है दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और यफ के ऊपर जो है पी इलेटान, इलेटान होते हैं मतलब यस पे दो पी पे जो है छी पे जो है दस और जो है पर क्या है चौदह इलेटॉन उपस्थित होते हैं इसको आप लोग याद रखिएगा तो यहाँ पर जो है डी के ऊपर जो है एक से लेकर के कहाँ तक दस तक इलेटॉन होंगे और यश पे कहाँ से, से लेकर के एक से लेकर के दो तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस बलाक का तत्वों का जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह क्या होता है एन माइनस वन डी के पावर वन से लेकर के कहाँ तक दस और यहाँ लिखेंगे यन यहाँ यन यह छूट यह गया है यहाँ यह

चाहिए इसलिए यन माइनस वन डी के पावर वन माइनस दस मतलब अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकाला जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यन माइनस वन का मतलब क्या है मतलब इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पाँचवें तक पहुँचे हैं तो यहाँ पे जो है यह तीसरा रहेगा मतलब डी जो रहेगा कि यहाँ पे रहेगा मतलब तीन और यहाँ छः अगर है यहाँ पे छः है तो यहाँ क्या रहेगा पाँच रहेगा मतलब एक उसमें से क्या रहेगा कम हो जाता है तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है किस बला के तो डी बला के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विनिया माइनस वन डी के पावर एक से लेकर के कहा तक दस तक और का पावर क्या होगा से लेकर के दो तक होता है अब हम लोग पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों की श्रेणिया क्या है कितने श्रेणी में इसको रखा गया है संक्रमण तत्वों को कितने श्रेणी में रखा गया है तो याद रखिएगा संक्रमण तत्वों को जो है निम्न श्रेणी जो रखा गया है मतलब यार यहाँ श्रेणी आपको बताया जाएगा तो ये चारों श्रेणी का पहले नाम याद रखेंगे तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए संक्रमण तत्व की श्रेणियाँ और यहाँ लिखिए संक्रमण तत्व को जो श्रेणियाँ जो है निम्नलिखित हैं निम्नलिखित में श्रेणियों में विभक्त किया गया है पहला जो है क्या है प्रथम संकरण संक्रमण श्रेणी या थ्री डी श्रेणी इसको कहा जाएगा क्या कहेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी या थ्री डी श्रेणी कहा जाता है दूसरा को क्या कहेंगे द्वितीय संक्रमण श्रेणी या चार डी श्रेणी कहा जाता है फोर डी इसको बोला जाएगा और अगला लिखेंगे तृतीय संक्रमण श्रेणी या इसको फाइव डी भी श्रेणी कहा जाता है मतलब प्रथम संकरण द्वितीय संकरण तृतीय संकरण और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी और इसे क्या कहते हैं छः डी श्रेणी कहा जाता है मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी द्वितीय संक्रमण श्रेणी तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी मतलब संक्रमण तत्व तो को कितने श्रेणी में विभक्त किया गया है तो संक्रमण तत्व तो को चार श्रेणी में विभक्त किया गया है तो इसको आप इसके जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी नौ कह के क्या कह सकते हैं थ्री डी श्रेणी फोर डी श्रेणी फाइव डी श्रेणी और सिक्स डी श्रेणी अब थ्री डी श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं फोर डी में कौन कौन से तत्व आते हैं फाइव डी में कौन आते हैं सिक्स डी में कौन कौन तत्व आते हैं और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या क्या होते हैं तो अब इनके बारे में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे तो आज जो हम लोग पढ़े क्या क्या पढ़े संक्रमण तत्व तो किसे कहते हैं और संक्रमण तत्व तो को आवरसानी में किस कहाँ पे रखा गया है और उनके गुण क्या हैं संक्रमण तत्व तो के जो गुण क्या क्या है तो गुण जो है ग्यारह गुण के बारे में बताया गया और हम लोग इस समय जो हम क्या पढ़ रहे हैं डी बलाक तत्वों के लक्षण पढ़ रहे हैं और लक्षण में जो हमारा दूसरा लक्षण है कि संक्रमण तत्वों की कि श्रेणियाँ कितनी है तो संक्रमण तत्व की कितनी बताया गया चार बताया गया तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है तो आप जो है इतना ही वीडियो में बताया जाएगा अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे प्रथम संकरण श्रेणी या थ्री डी श्रेणी क्या होता है और इसमें कौन कौन से तत्व जो हैं भाग लिए हैं कल के वीडियो में बताया जाएगा तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा तो आज जो है इतना ही अब मिलते हैं हम अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार